गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम लोगों ने ENJET फॉर्म कर लिया था, है ना, और सीस एंड ट्रांस हो गया था. इसका एक लास्ट नॉमिनेशन बाकी है. इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बाकी है जो हमें करना है, सीन एंड एंटीफोन, टी जो सीन और एंटीफॉर्म होता है जनरली एक टाइप के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑक्साइन्स. किसे प्रेजेंट होता है बेटा ये? ऑक्साइन्स. अब ऑक्साइन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कीटो कंपाउंड, लाइक हमने अल्डिहाइड या कीटोन लिया, अल्डिहाइड या कीटोन, उसका रिएक्शन जब हम लोग NH2OH से कराते हैं, NH2OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो यहां से जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइन. अब ये जो ऑक्साइन होता है ये सिन फॉर्म भी दे सकता है और एंटीफॉर्म भी दे सकता है. अगर आप अल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो बेटा? अल्डिहाइड, और उसके रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हो, NH2OH से कराते हो, तो यहाँ पे जो ऑक्साइन बनता है उसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइन. क्या बोलते हैं इसको? एल्डोक्साइन. भाई अल्डिहाइड है तो एल्डोक्साइन, तो अगर कीटोन होगा तो कीटोक्साइन होगा. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने कीटोन ले लिया, सपोज पहले हम एक जस्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसके रिएक्शन फिर से हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराया, NH2OH से कराया, और इसने बनाया, तो क्या बनेगा यहाँ पर? कीटोक्साइन, कीटोक्साइन. सो अगर अल्डिहाइड है तो एल्डोक्साइन, कीटोन है तो कीटोक्साइन. चलो रिएक्शन देख लें पहले, फिर फॉर्मेट डिफाइन करते हैं. तो जैसे कि इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, उस रिएक्शन की बात करते हैं. तो मैंने पहला अल्डिहाइड लिया, क्या लिया मैंने? अल्डिहाइड. अल्डिहाइड लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ और आर. आपको पता है बेटा कि अल्डिहाइड के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन होना जरूरी है. अल्डिहाइड लिया और मैंने इसका रिएक्शन NH2OH से कराया, NH2OH, और यहां से क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहां से निकल गया H2O. तो जब H2O निकल गया तो बताओ बेटा क्या बना, जरा देखना यहाँ पर सी है और यहाँ पर आर है. अब जरा बताना, ये निकल गया और डबल बॉन्डेड है ये, तो ये डबल बॉन्ड किसके पास चला जाएगा? N के पास. तो सी डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. ठीक है, तो हम पहला जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली हम एल्डोक्साइन की ही बात कर लेते हैं, चलो फिर कीटोक्साइन लेते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे क्लियर हो जाएगा. एल्डोक्साइन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर किसकी बात कर लेते हैं? कीटोक्साइन की बात कर लेते हैं. अच्छा बेटा, क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या इसके पास लोन पेयर? अब ये जो फॉर्मेट है ये दो तरह से आ सकता है, जरा देखना दो तरह से कैसे. हमने यहाँ पे एच लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया, यहाँ पे मैंने आर लिया, ठीक है बेटा, और ये डबल बॉन्ड एन है. अच्छा समझना, हो सकता है कि लोन पेयर ऊपर हो, OH नीचे हो, या हो सकता है इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, एच सी आर डबल बॉन्ड एन, हो सकता है कि OH ऊपर हो और लोन पेयर नीचे हो. भाई लोन पेयर OH के दो पॉसिबिलिटी स्पेस में हो सकती है. भाई व्हाट इज स्टीरियोइज़ोमेरिज्म? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन स्पेस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए. तो दो डिफरेंट फॉर्म मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो ये दो डिफरेंट फॉर्म बना रहा है, बना सकता है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग एक्चुअली में इस केस में हम लोग एच एंड ओ एच को चेक करते हैं. किसको चेक करते हैं बेटा? एच एंड ओ एच. इफ एच एंड ओ एच, इफ एच एंड ओ एच सेम साइड, कौन सी साइड, तो उसको हम सिन फॉर्म बोलते हैं. एंड इफ एच एंड ओ एच अपोजिट साइड, यस खत्म बात, तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एंटी फॉर्म बोलते हैं. तो आई थिंक आप देख के ये बता पाओगे. चलो बेटा बताओ पहला वाला केस क्या है, एच और ओ एच को चेक करना है आपको. तो जब आप एच और ओ एच को चेक करोगे, क्योंकि देखो बेटा अल्डिहाइड है तो कन्फर्म है कि एच हो गई होगा और ऑक्साइन बन रहा है. अच्छा ये बेटा क्या था? अल्डिहाइड था. ये क्या था बताओ? हाइड्रोक्सिल अमाइन था. और ये क्या था? एल्डोक्साइन था. क्या था ये? एल्डोक्साइन. तो ये भी एल्डोक्साइन है, ये भी एल्डोक्साइन है. अभी आपने यहाँ पर एच और ओ एच को देखा तो अपोजिट साइड में कौन सा फॉर्म हो गया? ये एंटी फॉर्म हो गया. कोई डाउट? नो डाउट, वेरी सिंपल. और यहाँ पर एच और ओ एच क्या है? सेम साइड में, तो कौन सा फॉर्म हो गया? सिंपल. पहचान लोगे? बोलो
अच्छा कैसे पता कि ये जीवाई शो कर रहे हैं? याद करो क्या तरीका बता दे, काट लो भाई ऐसे, ये अलग जीआई शो करेगा, और जीआई शो करेगा तभी तो हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। अगर जीआई शो नहीं करते तो हम नोमेनक्लेचर की बात कैसे करते? आप जैसे इसको भी काट लो, आप ऐसे लास्ट टाइम सब बता चुका हूँ, आज जीआई बस लास्ट है, बस थोड़ी देर में जीआई खत्म। अब बताओ यहाँ पर ये दोनों अलग जीआई शो करेगा, और जीआई शो करेगा तभी तो हम उसकी किसकी बात करेंगे, नोमेनक्लेचर। नाउ वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट वाज एल्डोक्राइन and second what ketoxine, so let us discuss about ketoxine. Exact sin and antiform is not defined. कुछ लोगों ने define कर रखा है books में, कुछ standard books में, नाम नहीं लूंगा, sin and anti बना रखा है, करते हैं डिफाइन, बट उसका एक तरीका होता है किस तरह से करते हैं, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सिन एंटीफॉर्म इज नॉट डिफाइन, ठीक है। सिन एंटीफॉर्म इसमें जो है वो डिफाइन नहीं होता है। कैसे होता है? अगर हमें डिफाइन करना भी है, इफ वी हैव टू डिफाइन, देन वी डिफाइन it with respect to a particular functional group and OH, particular functional group और OH के respect में define करेंगे हम। exactly नहीं, इसमें क्या हो सकता है, एक particular compound sin form भी हो सकता है किसी के respect में, और antiform भी हो सकता है किसी के respect में। आई थिंक बेटर थोड़ा सा रुको, इसलिए पढ़ा पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग है नहीं वैसे, आप समझ जाओगे तो पूरा क्लियर है। जैसे कि एक रिएक्शन पहले करा लिया जाए, तो बेटा मैंने इस बार R लिया, और क्या मैं यहाँ पे R डैश ले लूँ? R डैश लेने से ही ये GI शो करेगा, क्योंकि अगर मैंने R ले लिया तो सेम हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड CO ले लिया, और अगेन वही रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ बताओ बेटा, NH2OH के साथ बताओ। तो जब यहाँ से कराया मैंने, तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया इसका, और यहाँ से क्या हो गया बताओ, ये R डैश हो गया बेटा, और ये C डबल बॉन्ड क्या हो गया, N, और क्या आ गया, अब इस बार लोन पेयर है कि नहीं है। अब फिर वही बात है कि जो लोन पेयर है, इन दोनों का पोजीशन स्पेस में क्या हो सकता है, लोन पेयर OH का पोजीशन स्पेस में क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर बेटा, अब ये जो बना वो क्या है, नाम बताओ इसका, कीटोक्साइन है। ये क्या है बताओ, कीटोन है। ये क्या है बेटा, हाइड्रोक्सन। सारा चीज डिटेल में आपके सामने, बट समझना जरा इस बात को। अब इसके दो फॉर्मेट बनेंगे, दो फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट बनाओ तो आप खुद ही बना सकते हो, आर आर डैश बोलो, C डबल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर, और ये क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है, R R डैश C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फॉर्म है, सिन फॉर्म है एंटी फॉर्म है, क्या जवाब दोगे आप? नहीं बोल सकते हो। इट कैन बी सिन फॉर्म एज वेल एज इट कैन बी एंटी फॉर्म। नहीं, सीन और एंटी। अब ऑक्साइम में हम लोग किसकी बात करेंगे, सीन और एंटी। ऑक्साइम्स की जब कभी बात है, देखो बस इसमें बस इतनी है और कुछ है नहीं, बस खत्म बात। जरा सुनो, हम पता क्या बोलेंगे, सुनो, अगर हम यहां पर बोले, देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान देना बेटा, अगर हम आर और OH को देखें तो आर और OH कौन से पार्ट, अपोजिट साइड में। सो विथ रिस्पेक्ट टू R and OH, कौन सा फॉर्म, एंटी फॉर्म। सेकेंड जरा देखना, विथ रिस्पेक्ट टू R डैश एंड OH, बताओ दिस इज सिन फॉर्म। सो इट कैन बी बोथ, दैट डिपेंड्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हो, दैट डिपेंड्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है आपसे, तो उसके रिस्पेक्ट में, तो कंडीशनल हो गया। अच्छा इसी में सिमिलरली बेटा बताओ जरा, यहां से पहला पार्ट क्या हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू आर, बताओ क्या है ये, विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड OH, कौन सा फॉर्म है ये, सिन फॉर्म है। सो विथ रिस्पेक्ट टू बताओ, आर डैश एंड OH, कौन सा फॉर्म है ये, एंटी फॉर्म। क्या ये बात समझ में आती है? इसलिए जरा ध्यान से रुको, एक सेकेंड रुकना सब लोग, जरा पढ़ो भाई स्टेटमेंट में कुछ लिखा था, क्या लिखा था, इन कीटोक्साइन एग्जैक्ट सिन एंड एंटी फॉर्म इज नॉट डिफाइन, क्या सही था? नहीं था भाई। फिर इफ यू हैव टू डिफाइन, देन वी डिफाइन इट विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर
फंक्शनल ग्रुप एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन, इसका मतलब ये सिंफॉर्म भी और ये आप क्वेश्चन आप पूछो कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, तो ऐसे लिखा होगा पता है क्या विद रिस्पेक्ट टू दिस, समझ रहे हो ना, तो ऐसे करके कंपाउंड साफ साफ लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड। ठीक है रहने दो, रहने दो, कंफर्म एकदम क्लियर। सो दिस वाज द नॉमिनक्लेचर ऑफ क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया जरा एक बार रफली बात कर लेते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एनी डाउट? अच्छा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बीच में हमने डाले थे प्लेन वाले, याद है ना, वो सब क्लियर है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, फिर हम लोग ने कुमुलेटेड एल्केन्स की बात की थी, वहाँ पे बीच बीच में साइक्लिक कंपाउंड्स भी डाले थे, sp3 sp2, मतलब दे आर सो मेनी केसेस एंड ऑल द केसेस आर कवर्ड। एंड नाउ एंड द लास्ट, ये जो नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था, क्लासिफिकेशन मतलब नॉमिनक्लेचर था, तो नॉमिनक्लेचर सीसन ट्रांस हो गया, एंडेड हो गया, लास्ट पार्ट इज सीनाइन एंटीफॉर्म। तो हम एल्डोक्साइम में कंफर्म बता सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि कीटोक्साइम एग्जैक्टली डिफाइन फॉर व्हाट, एल्डिहाइड और कीटोन, सीनाइन एंटीफॉर्म इज डिफाइन फॉर व्हाट एग्जैक्ट इन एल्डिहाइड एल्डोक्साइम में, बट इन कीटोक्साइम दिस इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन टू फाइंड ओएच। तो दोनों फॉर्म हो सकते हैं, सीन भी हो सकता है, यहाँ पर एंटी भी हो सकता है, नो डाउट। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा बेटा? क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? नहीं, मैं आर आर एस लिख दिया हूँ, तो देखो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, दिस विल शो जी आई, बेटा जी आई शो करेगा तभी हम सीन और एंटी बोल रहे हैं, अगर नहीं करता तो हम भाई वो जी आई नहीं है, तो अब जी आई नहीं तो उसका नाम क्या, आप जिसका नाम रखने जा रहे हो किसका नाम रखने जा रहे हो, जी आई का, अब जी आई है ही नहीं तो नाम क्या। अब जैसे ये अलग क्या करेगा, ये जी आई, तो आई थिंक जी आई के जितने भी क्वेश्चन हैं कि कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, नॉमिनक्लेचर क्या होगा क्या नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड और पता है इसका लास्ट पार्ट अब क्या बचा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कुछ फॉर्मूला वॉर्मला बताऊँ मैं, उसके पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा मैंने ये कंपाउंड लिया C2ClBrIF, चलो आप इसमें थोड़ा पिन रखना, थोड़ी दिक्कत सब लोग है ना, समझना बात को, थोड़ा रखो पिन। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हमने कहा कि हमारे पास एक सिस फॉर्म है, इसका मतलब ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, अगर ये ट्रांसफॉर्म है तो इसका सिस भी एग्जिस्ट करेगा, तो अगर ट्रांस है तो कंफर्म है इसका सिस कहीं कहीं पड़ा है, मतलब अगर एक सिस है तो इसका दूसरा वाला सामने ट्रांस होगा, मतलब कितने बने आइसोमर्स, दो, कितने आइसोमर्स, दो। अगर ई है तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो, जेड होगा, कितने हो गए, दो हो गए। अगर सी है तो कौन सा इसका फॉर्म, मैं क्या बोला हूँ अब समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड था C2 का मतलब बताया बेटा, सी डबल बॉन्ड C2 C डबल बॉन्ड C, भाई मालकिन की बात करें। अब इसमें ने क्या किया, अब हमारे पास चार ग्रुप है तो ऐसे लगा लो, और क्या बचा बेटा, अब हमें बताने इस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। मैं बनाता हूँ 4 factorial 2 कितना आएगा, हाँ 4C2 कितना आएगा, 4C2 12 होता है, 6 होता है, आ गया आंसर, वेरी गुड। 4C चार ग्रुप हैं और आपको पता है कि अगर एक सी से दूसरा क्या बनाएगा, तो मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 4C2 मतलब क्या, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, अब ये क्या आ जाएगा इसका 2 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो गया, अब ये बता कितना, 2 तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यस वेरी गुड। किसने बताया 4C2, तालियां हो जाए एक बार केडी के लिए, वेरी गुड, 4C2 बहुत अच्छा सोचा बेटे इसने, पता है क्या कि भाई हमको तो पेयर में बनाने हैं, अगर एक सी से तो दूसरा ट्रांस का पेयर होगा, अगर एक जेड एक ई है तो दूसरा ट्रांस का पेयर, यही सब चीज़ें तो क्लिक करनी चाहिए एक्चुअली में, और एक सी ने तो दूसरा किसका पेयर, हैंडी, तो पेयर का मतलब दो की बात हो गई, तो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और कितने ग्रुप यहाँ पे लगे, टोटल 4, सो व्हाट शुड बी द आंसर, 4C2 एंड दैट इज आंसर, एंड दैट आंसर इज 6। अब देखो मैं इसको बना के भी दिखाता हूँ, आंसर तो आ गया तुरंत, वेरी गुड। अब क्या है कि मान लो हमने क्या किया, इसको ये लिया, हालांकि आगे आपको हर जगह नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट भी निकालने हैं, बट कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्टली आते हैं, हम ये हमें प्रैक्टिस हमको पहले से होगा तभी हम कर पाएंगे,
जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बी आर ले लिया, और बेटा यहाँ पे मैंने आई लिया, यहाँ पे मैंने एफ लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया। सुनना, मैंने इसको फिक्स कर लिया। पहला मैंने एक ब्रोमीन को क्या कर दिया बताओ, फिक्स। मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, एक ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया। अब मैं इसका दूसरा फॉर्म बना रहा हूँ, सुनना जरा सर। तो सी एलोन सी बी आर तो भाई क्या है, फिक्स है। अब इन किसी भी एक दो को क्या कर लो, ऐसे इंटरचेंज कर लो। चलो मैं इंटरचेंज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे वो बना रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि हम इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे में। बताया ना, हमने बोला था दिस इज नॉट इंटर कन्वर्टेबल, अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट करते, तो हम ये सोच रहे कि नेक्स्ट कंपाउंड क्या एग्जिस्ट कर सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या इन दोनों इंटरचेंज करें बेटा, बताओ यहाँ पे सी एल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आई, बताओ दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों डिफरेंस है कि नहीं है। हमने इन दोनों को किया, अब मैं एक और बनाने जा रहा हूँ, मैं इसको फिक्स रखा हूँ अभी भी, और मैं देखो इसको मैं एक बी आर को वहीं पर रख, अब मैं इन दोनों को कर दे रहा हूँ एक, और मुझे लगता है जितने इंटरचेंज होने थे वो सब हो गए। आप चाहो तो देख सकते हो ये तीनों डिफरेंट है। क्या बेटा, हाँ रुको रुको रुको, तो अब अगर इसका एक फॉर्म ई है तो उसका दूसरा फॉर्म जेड हो, तो अपने आप आ जाएगा, बनाओ, समझ रहे हो ना कि भाई एक फॉर्म अगर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक बताओ ना ये वन है और ये टू है, ये वन है और ये टू है, कौन सा फॉर्म है ये, जेड। तो अगर जेड है तो दूसरा इसका ई फॉर्म होगा, ई फॉर्म के लिए इसको क्या करना होगा, ऊपर नीचे करना, तो अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली बताओ बेटा, तो अगर जी है जेड है तो इसका इधर कौन सा फॉर्म होगा, एक ई, ऐसे लिख लेते हैं समझ में आ जाएगा। बताओ ये कौन सा फॉर्म है, जल्दी बोलो, वन टू, वन टू कौन सा फॉर्म, ई फॉर्म। तो अगर ये इधर ही है तो इसका किधर, जेड होगा। अब जरा इसका बताना, वन टू, वन टू बताओ बेटा ई, तो अगर इधर ई है तो इधर जेड, हाउ मेनी ई, थ्री, एंड थ्री ई एंड थ्री जेड, सो हाउ मेनी टोटल आर्ग्यूमेंट्स, सिक्स। ठीक है, एक सी से तो दूसरा ट्रांस होगा, क्या बात समझ में आती है। सो टोटल आर्ग्यूमेंट्स एज, इसका मतलब इसे कितना बनाएगा टोटल, दो, ये भी दो और ये भी दो, सो टोटल आर्ग्यूमेंट्स एज सिक्स, मतलब टू, बेटा नो डिस्कशन, टू प्लस टू। हाँ तो उठा दो, कितने लोग समझ गए इस बात को, पक्का ना भाई, एक सीजन तो दूसरा डांस हो गई होगा उसका, आप बस सीधे बोलो, बोलूंगे और क्या। अभी मैं देखो, हाँ आप नहीं थे क्या, ये जरूर एटॉमिक नंबर चेक कर सकते हो किसका है? अगर सेम नंबर लाइक वन वन या टू टू एक साइड है तो जेड होता है, और अगर वो अपोजिट साइड है तो ई होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। बेटा इन दोनों एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, आयोडीन का, और इसका कम है तो जिसका ज़्यादा उसको वन दे दो, इन दोनों वही किया मैंने, इसका ज़्यादा है इसका कम है। आपने देखा कि एक टू और टू सेम है तो जेड होगा, और अगर अपोजिट है तो ई, बस ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, बाकी डिटेल में आप देख लेना। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या, ओके कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट बेटा बताओ, हिमांशु एनी डाउट, क्लियर है ना बात एकदम। अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा देखना, अब जरा बताओ दूसरा एग्जाम्पल। मैंने ये कंपाउंड लिया एक, देखते हैं जरा सब क्या बोलने वाले हो भाई। हाउ मेनी रिमिटिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, साइक्लिक कंपाउंड्स जब कभी भी आए ध्यान रखना, इनके सब साइक्लिक कंपाउंड्स, बहुत अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं, इनके सब साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान से सुनना ट्रिक, ध्यान से सुनना, देखते ही पता चलेगा, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नहीं सुना एक बार तो दोबारा समझ में नहीं आएगी वो चीज़। तो जब कभी भी साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसका एक ही तरीका, एक ही ट्रिक है, ड्रॉ एंड चेक। है ना कितना अच्छा शानदार तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता, तो बेटा बनाओ और चेक करो, और किसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ड्रॉ एंड चेक। चलो भाई ड्रॉ करते हैं, चेक करते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे, देखो आईआईटी में जो पूछा जाएगा ना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ही, ये नहीं कि आप 500 ग्रुप लगा दिए और बोला ड्रॉ एंड चेक, तो फिर वो तो वो वाला भी नहीं कर पाएगा जिसने लगाया था, है ना, उसको भी चाहिए कम से कम आधा घंटा, तो वो छोड़ कर। अच्छा इसकी बात करें, चलो देखो जरा ध्यान दो, करना है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि क्या मैं इसको तीनों को ऐसे लगा दूँ, पहले तीनों तीनों ग्रुप को मैं अबव द प्लेन लगा दूँ, और तीनों ग्रुप को मैं बिलो द प्लेन लगा दूँ, इसको मैं ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, सोच के बता ना, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, पता है क्या हो रहा है, पेज दो जल्दी से छोड़ो। सुनना,
बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनना मेरे बात, बहुत सारे आइडेंटिकल कैसे, मान लो कि तीन ग्रुप हैं, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, ऐसे है, ठीक है बेटा, है ना, और मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या कोई अंतर है, कंपाउंड तो वही रहना बेटा, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो चीज तो वही है ना। और ध्यान रखो, जब कभी भी हम 180 डिग्री रोटेट कराते हैं किसी भी कंपाउंड को, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। ऑन 180 डिग्री रोटेशन कंपाउंड्स कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस, लिख लो, ऑन 180 डिग्री रोटेशन, ऑन 180 डिग्री रोटेशन, ऑन 180 डिग्री रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड्स नेवर चेंजेस, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड नेवर चेंजेस, compounds are always identical, configuration of compound never changes, compounds are always identical, compounds are always identical, बात समझ रहे हो? तो बेटा अगर हम इसको उल्टा घुमा दें तो क्या ये वही, अच्छा अच्छी बताओ बेटा, अब ये above the plane है, मैं इसको मैंने क्या किया 180 degree घुमा दिया ऐसे, तो below the plane हो गया, अब मैं इसको फिर से 180 degree कर दूँ तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जो बिलो वाले हैं वो अच्छा कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, जो नीचे वाले ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर वाला सेम कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं, अच्छा कितने डिग्री पे बन रहा है, और 180 डिग्री पे बनने का मतलब कंपाउंड तो वही था ना बेटा, वो चेंज नहीं है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम 180 डिग्री की बात करेंगे तो हम आइडेंटिकल कंपाउंड ही मिलेगा हमको हमेशा, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए बताओ, आइडेंटिकल कैसे हो गए बेटा ये, अच्छा अब बताओ इसका मतलब इन दोनों को मिला के एक ही तो बना, इन दोनों को मिला के एक ही बना बेटा, हम चाहेंगे कि थोड़ी देर सब लोग रुझा साथ साथ मत नोट करो ये पार्ट, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, आगे जो मैं बताऊंगा वहाँ आप कभी गलत नहीं करोगे, नो वे, हम देख लेते हैं बेटा अभी चेक कर लेते हैं, जो पॉसिबिलिटी के दूसरा ही बता देना है ना, जैसे मैं ड्राइंग चेक करने जा रहा हूँ वहीं पे चेक करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, हाँ रख दो पेन थोड़ी देर के लिए, आगे जो मैं रूल्स बताऊंगा बेटा वहाँ कोई दिक्कत नहीं, सीधे रूल अप्लाई करके सीधे आंसर निकाल देना है, इस टाइप के कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड्स इस टाइप के आ गया, तो कुछ प्रैक्टिस आपको पहले से होना चाहिए तभी आप अप्रोच कर पाओगे, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आया तो ये अप्रोच आपको सीखो यहाँ पे, जरा सा समझना जरा सा, अच्छा मैं इसका एक तीसरा बेटा बताना चाहता हूँ कुछ, ये क्या मैं करूँ, अभी तीनों ऊपर थे या तीनों नीचे थे, तो क्या करूँ, दो को ऊपर कर दूँ और एक को नीचे कर दूँ, तो मैंने दो को ऊपर कर दिया और एक को नीचे कर दिया, अच्छा ये बनाऊँ और अगर मैं ये बना दूँ, ध्यान रखना और जरा बताना कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है कि वही है, ध्यान से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये है सी और ये है डी, मंदीप बताओ बेटा क्या ये आइडेंटिकल है, कितने लोग बोले आइडेंटिकल है, हाथ उठाओ बेटा, आइडेंटिकल है या नहीं बेटा, यहाँ पर फिर से वही बात हो गई, फिर से दो ऊपर और एक नीचे, और इसको अगर ऐसे घुमा दो तो ये दो नीचे हो जाएंगे और एक, इसको अगर ऐसे घुमा दो तो ये वाला नीचे हो जाएगा और ये दोनों 180 डिग्री रोटेशन पे सेम आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इट मीन्स समझो बेटा बात को मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसलिए मैं अगर थोड़ा सा रुको दो तीन एग्जांपल्स मुझे कर लेने दो, बस केवल दो तीन एग्जांपल्स, उसके बाद फिर सीधे फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें, ओके, तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो सी और डी ये भी क्या है बेटा बताओ, आइडेंटिकल है, तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका मतलब यहाँ भी कितना मिलेगा, एक ही आइसोमर मिलेगा, दोनों अलग अलग नहीं है। What is the third possibility? Yes, KD, अब आपका टर्न है। What is the next possibility? और कोई भी आप सोचो, कोई भी सोचो आप लोग, What is the next possibility? तीनों ऊपर थे, तीनों नीचे थे, दो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर दो नीचे, आप बताओ, There is no any possibility. So how many isomers are possible? Only two isomers. How many isomers are possible? Only two isomers, जो भी आपके सामने है। समझ रहे हो बात को? कुणाल, कोई डाउट? बेटा, बोलो। एक प्लेन में हो और एक ऊपर हो। बेटा, ये रिंग है प्लेन वाली लाइन। ये रिंग है प्लेन वाली लाइन। तो आप वो चीज भूल गए ना फिर आप? अगर कभी भी sp3 hybridization आता है, तो उसमें अगर ये दो प्लेन है, तो कंफर्म है कि एक वेज होता है और एक डैश होता है। कैसे पॉसिबल हो गए? तो अगर ये नॉर्मल लाइन है बेटा, तो इसमें एक वेज होगा और एक क्या होगा, वही ही बनेगा और कुछ चांसेस नहीं बन सकता। यूज दिस कॉन्सेप्ट, लास्ट टाइम कितना डिटेल में डिस्कस किए थे इस बारे में। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, यहाँ पे लिखो बताओ, टू आइसोमर्स। बेटा कोई दिक्कत किसी को? तो थोड़ा सा ये एनालाइज, थोड़ा सा ये मेहनत आपको करनी है यहाँ पर, और जो मैं करा रहा हूँ बस वो एग्जांपल से, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नोट डाउन तेजी से।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन. हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ पे, तरीका हम पहले बता चुके हैं, बट हाउ मेनी? स्टार्ट किया जाए, देखते हैं. नहीं, एक तो बेटा, अगर एक चीज़ है तो दूसरा ट्रांस तो बनेगा ही बनेगा. तो इसका एक फॉर्म क्या हो सकता है बेटा बताओ, कि ये दोनों डार्क में हो. अगर हम इसको ऐसे बना दें दोनों को कहाँ पर, ब्रोकन. तो अगर ये ए है और ये बी है तो बेटा बताओ, फिर से मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये दोनों अलग अलग है या सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं, कैसे 180 घुमा. तो ऐसे दिक्कत जब कभी आए तो 180 घुमा लिया करो. तो जब हम लोग 180 घुमाते हैं पता है, उस जो हम लोग उस सिमेट्री की बात करें, एक्चुअली हम लोग अभी ऑप्टिकल आइसोमर में सिमेट्रीज पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री. इसको हम लोग थोड़ा सा अभी वहीं पर डिस्कस करेंगे. ये दोनों आइडेंटिकल हो गए. तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो कितना बताओ एक. अब दूसरा आप ही तो बताओ ना, दूसरा क्या हो सकता है? एक डार्क हो सकता है और एक ब्रोकन हो सकता है. और अगर हम इसका ये बना दें कि भाई इसको ब्रोकन कर दें और इसको डार्क कर दें, बेटा ये बात समझो सब लोग ध्यान से, पीएससी है और ये डी है, क्या दोनों में कोई अंतर है? 180 घुमाओगे वही मिल जाएगा, 180 घुमा लिया करो. बोलो. तो जब 180 घुमाते हैं, अच्छा 180 भी कैसे घुमाना है? डोसा स्टाइल. अरे डोसा होता है ना, इडली डोसा, डोसा स्टाइल. डोसा कैसे पलटते हो? उठाया फटाक, उठाया सीधे ऐसे, मतलब इसको ये ऑमलेट या डोसा ऐसे पलट, समझ रहे हो ना, डोसा स्टाइल में पलटना है. तो जैसे इसको आप डोसा स्टाइल में पलटोगे ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ. ये देखो ऐसे पलटोगे कि ऊपर से नीचे, गड़बड़ तो नहीं है? ये मैं वही बना दिया हूँ क्या? क्या करते हो बेटा, क्या करते हो? सो ये दोनों कैसे हैं बताओ? समझदार हो गए भाई बहुत. हाउ मेनी आइसोमर्स? सो टोटल कितने? अभी एक बहुत बढ़िया वाला पूछो. चलो ये जो है हमें विदाउट फॉर्मूले वाली काम, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यूज भी नहीं करना आपको गलती से. तो इसका ट्रिक मैंने बताया, ड्रॉ एंड चेक. आप जरा देखो नेक्स्ट जो मैंने लिया, ये लिया बेंजीन रिंग, ले लिया बेटा मैंने, क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन नहीं है मतलब साइक्लिक, बेंजीन रिंग भी ले लोगे तो sp2 हो जाएगी बेंजीन. ये साइक्लोहेक्सेन में मैंने 6 ग्रुप लगा दिए. हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो ये आपका HW है, यहाँ मत बनाना अभी, आंसर से बता दे रहा हूँ कि इसके GI होंगे वो टोटल 8 होंगे. कितने होंगे? 8 होंगे. एंड जो होमवर्क घर में बना के इसको ट्राई करोगे, देखो बनाओ. क्लियर बेटा? अभी मत बनाओ, छोड़ो छोड़ो, अभी छोड़ दो. अगर आप बनाओगे तो हालांकि पास बना लोगे मुझे पता है, बट जरूरत नहीं है क्योंकि आप तरीका समझ गए ना कैसे कैसे करना है. ऐसे नहीं, एट बनेगी पक्का, एट बनेगी पक्का, एट बनेगी. हाँ बेटा, हाँ जैसे आप वो 4 सीट 6 सीटों करना चाह रहे हो क्या? क्या प्लस आइडेंटिकल भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिकल भी होगा, आइडेंटिकल आइडेंटिकल भी आ सकते हैं. ओके चलो कोई नहीं. हाँ
किसकी पोजीशन? तो चीज तो वही है ना, खुद तो सेम है ना। अरे एक में बेटा ऊपर लगा है, एक में इधर नीचे लगा है, अरे एक में ऊपर लगा है, इधर एक नीचे लगा है, क्या अंतर है दोनों में? सेम ग्रुप है, एक ही चीज तो हुआ ना। ओके ठीक है, आजा। चलो ये सब हो गया, अब मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर साइड नोट करना, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। बेटा रुको, क्या एक अच्छा ये बताओ जरा सा, छोड़ो इधर देखो, एक ये वाला बताना, बात नहीं करना बेटा, बताओ हाउ मेनी जी आई आर पॉसिबल, जल्दी बोलो, हाउ मेनी जी आई आर पॉसिबल, जल्दी कैसे बताओ, कैसे दो, एक दो, क्या ऐसे ही है पक्का, कोई अंतर नहीं है, मतलब क्या करेगा बताओ, एक ऐसे हो सकता है या फिर दूसरा क्या हो सकता है इसका, बोलो। नहीं नहीं वेट 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 वेट, ए और बी रुको, और तीसरा क्या हो सकता है बताओ इसका, बोलो, एक ऊपर और एक नीचे, और या फिर, तो ये दोनों और ये दोनों, तो यहां पर एक, यहां पर एक, हाउ मेनी, टू जी आई, ठीक है कि नहीं ठीक है? अच्छा आप जरा बताना इसमें कितने जी आई बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके सामने, हाउ मेनी जी आई आर पॉसिबल, हाउ मेनी जी आई आर पॉसिबल, जल्दी, थ्री, यस वेरी गुड वेरी गुड, थ्री जी आई आर पॉसिबल, थ्री जी आई आर पॉसिबल। एक एटम पर दो सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए बेटा, जी आई शो करने के लिए एक सिंगल एटम पे दो सिमिलर ग्रुप नहीं होने चाहिए, और इस पर्टिकुलर एटम पर दो सी एस थ्री लगे हुए थी। ये कंपाउंड जी आई करेगा कि नहीं करेगा पहले यही बता दो मुझे, आप ये कंपाउंड जी आई करेगा कि नहीं करेगा पहले मुझे यही बता दो, आप दो चार पांच को बता रहे हो, पहले यही बताओ, विल इट शो जी आई, जी आई के लिए क्या होना चाहिए पहले ये बताओ। आपको दो एटम ऐसे मिलने चाहिए जिनके बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, सुनो, दो एटम ऐसे मिलने चाहिए जिनके बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, चलो साइक्लिक है। अच्छा यहाँ कहीं तो बन ही नहीं सकता जी आई, क्यों? दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन सिमिलर, सब में दो दो हाइड्रोजन है सिमिलर है, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, तो चलो यहाँ पे देखे, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, दो सिमिलर है, अरे तो एक ही बचा, आपको कितने चाहिए थे? दो, आपके पास तो एक ही एटम है जहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक सी एस थ्री लगा और एक दूसरा क्या लगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। अगर मैं इसको बना के दिखा दूं तो एक्चुअली में ये कंपाउंड ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा जरा देखो, मतलब क्या तीन चार दो ये सब क्या बोलना, अरे बेटा पहले ये तो चेक करो कि जी आई शो करेगा तब ना, यहाँ पर क्या है सी एस थ्री, यहाँ पर क्या है सी एस थ्री, और यहाँ पर ये सी एस थ्री, और बेटा यहाँ पर ये क्या है, अच्छा बताओ यहाँ पर एच एच है, अब आपको हम पूरा ही बता देते हैं, एच एच एस एच एच सिमिलर ग्रुप, पहले स्टाइल से काटने दो ना, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर ग्रुप, कितने एटम चाहिए थे मिनिमम? दो, बेटा कितना मिला आपको? सिर्फ तो जी आई इज, सो हाउ मेनी जी आई आर मस, इसका आंसर होगा जी आई इज जीरो, शून्य। शून्य की खोज किसने की थी? गजब मैथमेटिक्स आप लोगों का जबरदस्त है भाई, हैं? किरण कुछ बोला? नवनीत आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? नवनीत कोई कमेंट करना चाहोगे बेटा आप यहाँ पर? कुछ भी आपकी विचारधारा हो? तो इस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, हो जाएंगे। चलो अब आते हैं कुछ जो फॉर्मूले में यूज करने होते हैं जीआई में, उनकी बात करते हैं, ठीक है? तो ये हमने ऐसे कंपाउंड्स बेटा डील किए जहां पर हमें ड्रॉ करना था और चेक करना, और जनरली जब साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे तो हमें ड्रॉ चेक करना ही होगा। हाँ शुभम, शुभम आज तो गाना गाएगा ना, ये बुलाऊंगा, ठीक है? कैमरे रिकॉर्डिंग भी होगा, हैं? बेटा आप दोनों साथ में आ जाना,
किसका बर्थडे है? ओह सच में? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बेटा वो दुआ भी मैंने दे दी, चल ओके आगे की बात करते हैं। तो आप भाई आप देखो ड्राइंग चेक करने वाला काम तो हो गया, आप सीधे फॉर्मूला वॉर्मूला वाली बात शुरू होगी। तो हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर तो जनरली ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर हम आगे जो भी हम डिसाइड करें उसके पहले हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एसजीए या फिर इसी को हम एसजीसी भी बोलते हैं। अब बेटा बता रहे हैं एसजीए बोलते हैं या फिर एसजीसी बोलते हैं। एसजीए का मतलब होता है स्टीरियोजेनिक एरिया। एसजीसी को भी हम बोल सकते हैं, ये सेम चीज़ है दोनों, और लिखा मैंने है ना स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो कहीं पर एसजीए लिखा होता है, कहीं पर एसजीसी लिखा होता है, सेम थिंग। अब बात ये आती है कि अब एसजीए होता क्या है, एसजीए होता क्या है। तो पहले हम एसजीए की बात करने जा रहे हैं। तो एसजीए पता है कौन सा एरिया होता है? दिस इज द एरिया वेयर स्टीरियो आइसोमर्स इज पॉसिबल। ये वो एरिया होता है जहां पर स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब कौन कौन सा है? एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा क्या बताओ? ऑप्टिकल। तो जब कभी हम एसजीए की बात करेंगे मतलब इंक्लूडेड है ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको ये कंपाउंड दिया, समझना जरा बात को, पहले एसजीए समझ लो क्या होता है। ए बी क्या ये कंपाउंड जी आई शो कर रहा है, पहले मुझे इतना बताओ। कैसे बेटा? सारा कंडीशन, पांच कंडीशन बताए थे, याद है आपको? ये अलग। अच्छा ये जो जी आई शो कर रहा है किसकी वजह से शो कर रहा है? क्या डबल बॉन्ड की वजह से शो कर रहा है? कहीं पर साइक्लिक की वजह से शो करता है, कहीं डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड की वजह से शो कर रहा है ये, दिस एरिया इज कॉल्ड एसजी। यही एरिया जिसकी वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आ रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड एसजीए। सुनना आगे देखो, पहले एसजीए पहचानना सीखो, उसके बाद काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जस्ट फॉर्मूला और कुछ नहीं। अब जैसे कि मैंने कहा बेटा ये कंपाउंड है, बताना मुझे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए अगर, तो बताओ बेटा ये बनेगा CH3 बोलो। और अगर ये देखो SP3 है ना बेटा, आपको याद है ना साइक्लिक में SP3 का पूरा कंडीशन बताए हुए थे। तो अगर ये दोनों प्लेन वाली लाइन पे हैं तो एक क्या होगा यहाँ पर, ऐसे आएगा, बोलो बताओ बेटा। इसमें भी आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो अगर ये CH3 है तो ये क्या होगा बताओ। अब बताओ इस पर्टिकुलर एटम पे ये दोनों अलग है, इस पर्टिकुलर एटम पर ये दोनों अलग है और ये साइक्लिक में प्रेजेंट है, मतलब रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये जीआई शो करेगा? तो व्हाट इज एसजीए, व्हिच एरिया इज एसजीए? दिस कंप्लीट सिंगल बॉन्ड एरिया इज कॉल्ड एसजीए। तो मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी एसजीए, कितने बोलोगे? एक। कितने एसजीए? एक। मैं ज्योमेट्रिकल को बेसिस लेके चल रहा हूं अभी, किसको बेसिस लेके चल रहा हूं? ज्योमेट्रिकल को बेसिस लेके। सो एसजीए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बेसिस पर इसका एसजीए कितना है? 1। और यहाँ तो ज्योमेट्रिकल है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे एसजीए कितना है? 1। आ रही बात समझ में? आगे थोड़ा सा और बात करें, पहचाना सीख लो एक बार बेटा, उसके बाद फिर काउंटिंग में वगैरह में कुछ नहीं है। आप सुनना जरा ध्यान से, अभी बेटा ये कंपाउंड लिया मैंने, जरा देखना यहाँ पे एच और यहाँ सीएल है, यहाँ पर एच और यहाँ पर ओएच है, समझना बात को, ठीक है। याद करो कॉन्सेप्ट इवन और ऑड का, आप साइक्लिक को भी आप डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हो, तो अगर ऑड आ जाएगा, अच्छा अगर ऑड आ गया तो बेटा क्या ये पूरा का पूरा इसकी वजह से
इन दोनों ग्रुप और इन दोनों ग्रुप की वजह से शो करेगा ये। सुनना क्या बात समझ में आ रही है, तो ये पता है ये भी एक एसजी हो गया पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ तो टॉक, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई, सच्ची मता ना करनी है तो बता। अरे भाई अगर बोलो पांच लगे होते तो पूरे पांच को हम क्या बोल देते, एक एसजी। सात होते तो क्या बोल देते पूरे को, एक एसजी। तीन है तो ऑड है ना, ये पूरा एसजी। और एक एसजी इसमें और भी है, देखो जरा एक एसजी इसमें और भी है। कैसे? ड्यू टू साइक्लिक। साइक्लिक में देखो बेटा फिर से ये अलग, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। बताओ तो ये भी तो एक एस जी हो गया, ये भी क्या है बताओ, एक एस जी है। हाउ मेनी एस जी इज टू, किसके बेसिस पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, जी आई के लिए। समझ रहे हो बात के लिए, समझ रहे हो हाँ बेटा। हाँ वहाँ पे एस जी होगा बट हम अभी ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ भी इवन होगा। हाई लग एक्चुअली यहाँ पे कैरल सेंटर्स वगैरह भी आ सकते हैं क्या बेटा, क्या ये पूरा का पूरा एक एसजी हो गया। हाँ तो अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं अलग अलग। हाँ ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पहले बताओ, पहले बताओ ये ऑड है कि नहीं ऑड है बेटा, प्लीज नो डिस्कशन। कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछो, क्या ये ऑड है बताओ। समझो नहीं ये सब चीजें, ये तो सब फाइनल टच है ज्योमेट्रिकल का। ये इवन एक वन टू थ्री ऑड है, ये ऑड की वजह से क्या शो होता है, जीआई होता कि नहीं होता है। हम जीआई की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोलते रहो, मैं अभी ओआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि एसजीए में दोनों आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर भी आता है और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी आता है, बट मैं ऑप्टिकल सेंटर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ क्या काउंट करना सिखा रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हम ऑप्टिकल में आएंगे ना, ऑप्टिकल सिखाने के बाद फिर हम एसजीए में दोनों काउंट किया करेंगे, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल, तब हम टोटल एसजीए काउंट करेंगे, फिर बताएंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है कि कुमुलेटेड है आइसोलेटेड है क्या है, सब कुछ तो पता है ना आपको। अब आप एसजीए काउंट करो सीधे, तो एसजीए क्या क्या हो सकते हैं, जहां जहां से जीआई आ सकता है वो सारे क्या हो सकते हैं, एसजीए हो सकते हैं। तो बताओ बेटा, एक तो ऑड हो गया तो ये हो गया और प्लस ये साइक्लिक में यहाँ भी तो शो कर रहा है, तो कितने एसजीए हो गए बताओ, दो। आप जरा मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल पूछना चाहूंगा आपसे, बताना जरा ध्यान से, ध्यान से बेटा ठीक है। ये मैंने लिया यहाँ पर, मैंने कहा ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर एच और यहाँ पर सी एल, ठीक है। एक ये लिया, ये है ठीक है बेटा, बैलेंस बेटा वो कंप्लीट कर लो, वो आप अंडरस्टूड है ठीक है। ध्यान देना है आप जरा सा कि क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान देना है आपको ना, यहाँ पे यस ध्यान से करना, ध्यान से करना। मुझे पहले बताओ बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड एसजीए है? है कैसे? अरे इधर वाला ग्रुप ये है अलग और इधर सी एस टू ये अलग, नहीं अलग है दोनों, बताओ ना, ये अलग ही अलग है। अरे कोई दिक्कत, अरे काटो ना इसको ऐसे बेटा, तो इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, इधर एच है, इधर सी है, तो क्या मैं इसको सर्कल बनाऊं? एक पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, क्या ये एस जी ए है? अरे जवाब दो भाई, सब लोग को जवाब चाहिए, क्या है? कैसे? जरा बात काटो इसको, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, दिस इज आल्सो एसजीए, क्या ये एसजीए है? ध्यान से, ध्यान से, ये अलग ये अलग ये अलग, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा है एसजीए। सर बताना बेटा कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने लोगों के लिए सोचो क्या हाथ उठाया था ऐसे से कर रहा नोनीत, पर आज कुछ बोली नहीं, रॉक क्या बात ओके क्या ये बात क्लियर है? अच्छा समझ में आ रहा है ना सभी को, इतना बताओ मुझे पक्का ना, ये एसजीए है कि नहीं बताओ, ये एसजीए है, ये एसजीए है साइक्लिक की वजह से, क्या ये एसजीए है? कैसे बताओ, बताओ
अरे भाई कार्बन की वैलेंसी तो चार होता है ना, कार्बन की वैलेंसी बेटा चार होता है, तो तीन एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। अब अगर इसको आप काट के देखो ऐसे, तो इधर अलग इधर अलग इधर अलग इधर और बीच में बोल, ये भी एसजीए। क्या ये एसजीए है? क्या ये एसजीए है? कैसे? एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, काटो जरा इसको ऐसे, तो ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। क्या ये एसजीए है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन सेम हो जा रहे हैं, सो दिस इज नॉट एसजीए। हाउ मेनी एसजीए? एक दो तीन चार पांच। सो हाउ मेनी स्टोरेजिनिक एरिया? बोलो अब इनका आंसर बताऊं क्या होंगे कि कितने आइसोमर्स बनाएंगे? बहुत सिंपल, इसमें कोई ड्रॉ चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे कुछ नहीं, सिंपल एक तरीका, सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ। जितने भी कंपाउंड्स मैंने बेटा डील किए, जैसे ये वाला तो आप पहले ही कर चुके हो, दो बन रहे थे इसके, कितने बन रहे थे? दो बन रहे थे। अच्छा ये आपने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा बेटा सभी ने, यहाँ तक पक्का नहीं किया? अच्छा आप ये जल्दी से नोट करो, ये काम करो, बस इतना नोट करो, इतना यहाँ तक जल्दी करो। यस, जनरली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन से एग्जांपल्स ले रहे हैं एक्चुअली में ऐसे कंपाउंड्स? अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये आपने जितने भी कंपाउंड्स लिए, मैं ये वाला ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ, ऊपर वाला, हाँ उसको थोड़ा काम गड़बड़ कर रहा है, ये वाला नोट तो किया नहीं होगा आपने, नोट करके जी आई जीरो लिख लो बस जल्दी से, अगर नोट नहीं किया है तो इसको नोट करके इसका जी आई कितना लिख लो, जीरो लिख लो, पता ही क्यों होगा है ना, जिसने नोट नहीं किया जी आई जीरो लिख लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे। चलो अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये जो मैंने दो एग्जांपल लिए, अब ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं, अगर इनको कहीं से भी काटा जाए तो कभी सिमेट्री आ सकती है? कहीं से भी कैसे भी जैसा बनो वैसे काटो, बोलो भाई आप सिमेट्री के लिए क्या देखते हो कि इधर अलग इधर अलग, ये अलग ये, तो ये तो भाई सिमेट्री क्या हो मतलब, जैसे पूरा एकदम सिमिलर टाइप का कंपाउंड, लाइक मैं सिमेट्री वाली बात कंपाउंड की बात करता हूँ, आप लोग जैसे हमने ये कंपाउंड लिया सीरल बोन सीरल बोन सीरल बोन सी, मैंने कहा कि इधर ए इधर बी है और इधर ए और इधर बी है, व्हाट टाइप ऑफ दिस कंपाउंड इज इट सिमेट्रिकल कंपाउंड? जल्दी बोलो, आप बॉन्ड से भी काट सकते हो बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैसे भी काटो, कैसे भी काटो और तो एग्जैक्टली मिरर मतलब एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए दोनों तरफ, सो दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। क्या बताओ ये सिमेट्रिकल है, कैसा कंपाउंड ये सिमेट्रिकल। बट अगर हम इसको ऐसे लें, यहाँ पे ई एंड एफ ले लें, यहाँ पर ए एंड बी ले लें, विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस? जल्दी बोलो, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। बताओ बेटा कहाँ आप काटो ना बेटा, काटोगे जहां से भी तो ये दोनों अलग इधर अलग मिलेंगे, सिमेट्रिकल आएगा ये, सुनो तो क्या ये, अब क्या ये पहचान जाओगे कौन सा कंपाउंड सिमेट्रिकल और कौन सा अनसिमेट्रिकल? ध्यान दो बेटा जरा, कैसा कंपाउंड है बताओ मुझे जरा, ये अनसिमेट्रिकल। अच्छा इसमें और भी केस हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे तीन लिया, मान लाइक हम ये ले लेते हैं, एक दो तीन चार, हाँ वहाँ अभी जी आई की बात नहीं कर, हम जस्ट ये पूछ रहे हैं सिमेट्रिकल या। अब मैं अगर इस कार्बन के राउंड ऐसे काट दूँ तो इधर भी देखो सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, एकदम सेम आ रहा है बेटा, तो कैसा कंपाउंड है ये सिमेट्रिकल, में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ऐसी ही चीज़ें क्या आप यहाँ ढूंढ सकते हो? तो अगर आप इसको कहीं से भी कट करने की कुछ कोशिश करो तो क्या आपको सिमेट्री नजर आएगी यहाँ पे? यानी हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड इज अन, सीधे इतना लिखो चलेगा, व्हाट टाइप ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये कंपाउंड भी कैसा है बेटा बोलो, अनसिमेट्रिकल। क्लियर है बात? तब यहां पर नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए मैं एक रूल बताने जा रहा हूं आपको, नंबर ऑफ क्या निकालने के लिए जीआई, दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, एक अनसिमेट्रिकल बोलो बेटा और दूसरा क्या सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल और दूसरा सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड और दूसरा क्या होगा सिमेट्रिकल कंपाउंड। हाँ तो ताकि मैं पूछ बताना मुझे जवाब देना सब लोग, कितने लोग को एसजीए निकालना आ गया है, एसजीए स्टीरोजेनिक एरिया कंफर्म बता पाओगे? तो आपको नंबर ऑफ जीआई आ गया, नंबर ऑफ जीआई आ गया, ये 100% गारंटी मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। अच्छा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी पहचानना आ गया, गुड।
अब हम पहला जो रूल बताने जा रहे हैं आपको, वो किसके लिए बताने जा रहे हैं बताओ, अनसिमेट्रिकल। और पता है इसमें नंबर ऑफ जीआई क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, सबसे आसान यही होता है, और वो होता है 2 to the power n। जैसे बुक में पढ़ोगे तो लिखा होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ दिस, नंबर दिस, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वेयर एन इज, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस जी ए, वेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस जी। आप समझ लो कि मैंने आपको एस जी ए निकालना क्यों सिखाया है कि एक बार। अच्छा बेटा बताओ, आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर निकालने हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? एस जी ए पता होना चाहिए। बट दिस रूल इज वैलिड फॉर व्हाट? तो क्या ये अनसिमेट्रिकल है? हाउ मेनी एस जी आर प्रेजेंट? दो। एस जी ए कितने थे यहाँ पर? दो। तो बताओ नंबर ऑफ जी आई सीधे सीधे यहाँ पे लिखे कितना बताओ? 2 to the power 2 = 4। हाउ मेनी एस जी ए? 5। तो बताओ बेटा नंबर ऑफ जी आई 2 to the power 5 कितना? कितना? अब बताओ बेटा क्या ये 32 आप बना पाओगे? मत बोल देना हाँ बना लेंगे, नहीं बना पाओगे ना उसमें। हाँ ये ऐसा नहीं बोलो कि आप नहीं बना पाओगे, हो सकता है कि 2-4 दिन में बना लो, है ना, हो सकता है 2-4 दिन में 2-3 दिन में बना लो। मैं ऑप्टिकल की बात ही नहीं कर रहा, क्यों इनकम्प्लीट है बेटा? ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा पढ़ो जरा सा, ये मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिखा है नवनीत? बेटा ये मैंने यहाँ पे नवनीत क्या लिखा है? तो बेटा मैं ऑप्टिकल की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं मेरी बात सुनो पहले, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। हम लोग क्या निकाले? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल रहे हैं ना, अभी हमें ऑप्टिकल से कोई लेने देना नहीं है। तो इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं उसको? दिस इज कम्प्लीट फॉर व्हाट? नंबर ऑफ जी आई के लिए कम्प्लीट है। क्लियर है बात? बोलो आप एग्जाम्पल्स के साथ नंबर ऑफ जी आई भी नोट कर लो, करो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल थोड़ा ये भी नोट कर लो, पता चल जाएगा अभी आपको। तो ये है अनसिमेट्रिकल के लिए। आसान पाठ है एकदम, देख लो आप, अब कुछ नहीं, एस जी सिखा दिया आपको और कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स में जो अलग अलग से करने थे वो बेटा। हम एक चीज बताओ मुझे, हम संकल्प बैच क्यों बोले? हमारा अपना खुद का आइडेंटिटी है ना, हम ये बोले नहीं नहीं, हम यहाँ से समझेंगे। हमारा अपना बंसल का खुद का आइडेंटिटी है, हम संकल्प क्यों बोलेंगे ये बताओ? हम कुछ और क्यों बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? नैतिक और अच्छा सा नाम रख लेंगे। देखो जो भी है वो रैंकर्स है, बस सीधी सी बात है। आप फिर हमारे लिए टॉपर्स हो, ठीक है, और आपको प्रूव करके दिखा देना है। नाउ नेक्स्ट, तो आप देखो एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म बताया बेटा। अच्छा अनसिमेट्रिकल में कितना भी लंबा लंबा खींच दूं बनाऊं इस तरह से, है ना, जैसे एक जल्दी से बताना एक एग्जांपल तेजी से। पहला एग्जांपल है हमारा ये, ए भी नहीं लूंगा, एचसीएल सीएलबी। हाउ मेनी जी आई? साथ साथ बताना, नोट नहीं करना है जब तक मैं कंप्लीट ना करूं, नोट नहीं करना, साथ साथ बताते जाना। हाउ मेनी जी आई? हाउ मेनी एस जी ए? हाउ मेनी एस जी ए? एक ही एस जी ए, कैसे बताओ? जो एक है, 1, 2, 3, 4, 5। अरे भाई इन्हीं की वजह से तो बेटा जी आई शो कर रहा है, ऑड है ये। अब ये सब मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ ना, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब तो बता एस जी ए कितना है इसका? 1 है। और कंपाउंड क्या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ जी आई कितना होता है? 2 to the power n। और यहाँ पर n का वैल्यू, ये तो एस जी ए है, 2 to the power 1 = 2। मतलब एक सिस होगा तो एक ट्रांस होगा, या अगर एक ई होगा तो दूसरा जेड होगा। सिन और एंटी तो नहीं हो सकता यहाँ पे, ऑक्साइम्स में होता है। हम लोग एक लंबे में खींच लूं वहां पर, और 13 डबल बॉन्ड ले लूं, जरा बता ना मुझे। नेक्स्ट, थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना पहले, जिससे कि आप गड़बड़ ना करो कहीं पे भी, फिर मिक्स करके अलग से बात कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा चलो मिक्स करके दूसरा एग्जांपल पूछते हैं।
सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल जल्दी बोलो, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल, साफ साफ दिख रहा है क्या है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नो वे। अब ध्यान से जरा देखना, पहले बताओ मैं कहां तक, क्या एक दो तीन चार पांच, इवन या ऑड, इवन या ऑड, एक दो तीन चार पांच, तो ये पूरा एक बेटा क्या बन गया, हाँ लेकिन ये एसजी तभी होगा जब ये दोनों अलग और ये दोनों अलग है ना, ये और ये पूरा ग्रुप अलग लगा हुआ है, वहां तक लगा हुआ है, समझो बेटा बात को थोड़ा सा, क्लियर है। वन एसजीए, एसजीए नंबरिंग बाद में करेंगे, क्या ये एसजीए है, क्या ये एसजीए है बेटा बताओ भाई, अरे इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, गड़बड़ मत करो, क्या ये एसजीए है, कैसे कैसे बताओ, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, एसजीए, आप बताओ मुझे क्या ये एसजीए है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, क्या ये दोनों अलग हैं, और क्या ये दोनों अलग हैं, यस एसजीए, क्या ये एसजीए है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, बोलो कहानी समझ में आ रही है। अब इसके बाद अनसिमेट्रिकल का ये लास्ट एग्जाम्पल है, अब मैं बताऊंगा और शायद आप पूछोगे भी नहीं, आप क्या ये एसजीए है, कैसे इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, हाउ मेनी एसजीए, देखो ये भी एसजीए हो गया, ये भी एसजीए, ये भी एसजीए, और ये भी एसजीए, और ये भी एसजीए, और ये भी एसजीए, क्या बात, हाउ मेनी एसजीए, गुड, सो n इक्वल्स टू s, अच्छा लिख दो जरा, ये कैसा है बताओ पहले, अनसिमेट्रिकल, सो n इक्वल्स टू sga इक्वल्स टू 6, सो नंबर ऑफ gi 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू, बनाने की कोशिश मत करना, तो जब बनाने के लिए दिया जाएगा ना आपको एग्जाम्स में, तो छोटे छोटे कंपाउंड्स दिए जाएंगे जो आप बना पाओगे, ये तो मैं आपको डाउट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता आप बना सकते हो, आप 64 के आप 64,000 भी बना सकते हो, बट टाइम लोगे ना, इसको अच्छे से नोट कर लो सर, एग्जांपल टेढ़ा मेरा जैसा भी है कॉपी में आए लिख, एक भी कुछ मंदीप इसी में कुछ और हो गया, सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल होगा
अच्छा बेटा, सिमेट्रिकल में दो केस बनेंगे, एक में सिमेट्रिकल है तो हो सकता है इवन एस जी हो या फिर क्या हो, इवन एस जी हो सकता है या फिर, अच्छा एन यहां पर क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ एस जी, नंबर ऑफ, अगर इवन एस जी है ये लिख दो पहले, अब बेटा फॉर्मूला पूछ रहे थे आपसे उस टाइम पे, इसका नंबर ऑफ जी आई क्या होगा इवन है अगर, तो टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन बाय टू माइनस वन, ये पावर में ही ऊपर, और अगर ऑड एस जी है तो नंबर ऑफ जी आई सिमिलर ऐसे ही रहेगा, पता है क्या होगा, बस टू टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू टू द पावर एन माइनस वन बाय टू, you have to learn this to form it, this is for symmetrical, this is for symmetrical compound, mandeep aap jo puch rahe the dono formula aapke samne hai, theek hai, ye wala hata do beta, actually main acha question beta pata hai, unsymmetrical se hi banta hai जो अच्छा लगे, हाँ इसमें क्या है कि आपको सिमेट्रिकल तो है, उसमें फिर ये देखना होगा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर, एसजीए, क्योंकि जो हम लोग टू द पावर एन की बात कर रहे थे वहां पे एन क्या था, एसजीए था, नहीं नहीं अब ओपन चैन, जनरली हम ओपन चैन की बात, जनरली हम इनकी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जनरली हम इनकी बात कहाँ पे करेंगे, ओपन, ठीक है, देखो जैसे कैसे बना रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, और मैं ज़्यादा एग्जांपल इसके नहीं दूंगा आपको, सिंपल है क्योंकि इसमें जस्ट दो तीन चार एग्जांपल, बस बस बस, तो जो और भी नॉर्मल केसेस बेटा जो रहेंगे, और रिंग अभी तो अनसिमेट्रिकल में आ तो रहे थे, रिंग भी आ रहा था, सब आ रहा था, देखो जरा से एग्जाम्पल, पहला बेटा आप थोड़ी देर के लिए रखो पे, चार पाँच एग्जाम्पल से इसके खत्म करते हैं एंड जी आई का एंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं टोटो मेरिज्म, ठीक है, हाँ इसका टोटो मेरिज्म खत्म करें, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा हम लोगों ने जी ओ सी पढ़ा है ना, तो पत समझ में भी नहीं आएगा और खत्म भी हो जाएगा, टाटो मेरिज्म इज नथिंग, इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ जी ओ सी, एग्जाम्पल वन ले रहा हूँ मैं, एच सी एच थ्री सी डबल वन सी, सी एच डबल वन सी एच, सी एच डबल वन सी एच, ओके बेटा, और यहाँ पर एच और सी एच थ्री, इतना ध्यान रखो कि अगर सिमेट्रिकल है तो कंफर्म है कि ये और ये ग्रुप इधर वाले फर्स्ट और लास्ट वाले सिमिलर ही होंगे, तभी ये सिमेट्रिकल हो सकता है, अदरवाइज ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, इस बात को समझ रहे हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दिया हूं, समझ रहे हो ना कि भाई सिमेट्रिकल तभी हो सकता है जो इधर वाले ग्रुप है जब इधर वाले ग्रुप बराबर हो, अब ये कैसा सिमेट्रिकल वो चेक करना होगा, पहले सिमेट्रिकल काटो जरा, कहां से काट रहे, क्या ऐसे काट ले, अच्छा अब बाउंड काउंट करो जरा, एक दो, अच्छा आपको वो बाउंड काउंट कर रहे हैं जहां पर आइसोमर्स वो शो करे, ऐसा नहीं कि आप सारे बाउंड काउंट कर लो, मैं दूंगा एक एग्जांपल और भी ऐसे, ठीक है, जैसे कि जरा बताओ मुझे बेटा आप इसमें क्या से शो होगा, होगा यहां से भी होगा, होगा यहां से भी होगा, तो एसजीए कितने हो गए इसके, तीन हो गए, अब ये तीन क्या है इवन या ऑड, यानी एन का वैल्यू थ्री हो गया, अब चूंकि ये सिमेट्रिकल है, आ रही बात समझ में, सिमेट्रिकल है और उसमें भी क्या है ऑड है, बेटा सब लोग बात समझ रहे हो कि नहीं, अभी पता है बेटा अनसिमेट्रिकल इज वेरी सिंपल, टू टू द पावर एन, अनसिमेट्रिकल इज वेरी सिंपल, टू टू द पावर एन, बट इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल तो यू हैव टू चेक इवन नंबर ऑफ एसजीए और ऑड नंबर ऑफ एसजीए, इवन और ऑड के लिए अलग, अच्छा ये बताओ इसको याद पता है कैसे रख पाओगे, फिर एक चीज बताओ अगर इवन होगा तो उसको टू से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो इवन वाले में एन बाई टू माइनस वन होगा और दूसरे वाले में फिर क्या हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू, हाँ कंप्लीट फ्रैक्शन में नहीं है, हाँ अब इन क्वेश्चन थ्री है, बताओ बेटा नंबर ऑफ जी आई फॉर किसके लिए, ऑड के लिए, क्या था टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू द पावर ऑड था एन माइनस वन बाई टू, सो टू टू द पावर थ्री माइनस वन प्लस टू द पावर थ्री माइनस वन बाय टू, क्या सही है, सो दिस इज टू द पावर टू प्लस टू टू द पावर वन, फोर प्लस टू, क्लियर, अप्लाई कर लोगे, अब अगर यहीं पर मैं एक बॉन्ड कम कर दूं या एक बॉन्ड बढ़ा दूं तो मैं कम तो नहीं करूंगा, बढ़ाऊंगा,
सीएल है, बीआर है, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये मत समझना कि ठीक है ना। अब बताओ बेटा सिमेट्री कहां से आ रहा है? सो इज दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, इज दिस कंपाउंड सिमेट्रिकल, यस दिस इज सिमेट्रिकल। अब अगर देखो बेटा पहले चीज देखो इसका सीक्वेंस पता बेटा क्या होगा, सबसे पहले आपको अनसिमेट्रिक कंपाउंड नजर आना चाहिए, सबसे पहले आपको अनसिमेट्रिक कंपाउंड, अगर अनसिमेट्रिक का सोचने की जरूरत नहीं, सीधे 2 to the power n। अब अगर आपको सिमेट्रिकल नजर आ गया है तो काउंट कर लो SGA, अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला n by 2 वाला फॉर्मूला, और अगर ऑड है तो n minus 1 by 2 वाला फॉर्मूला। तो ये है, अब बताओ बेटा इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, हाउ मेनी SGA? 4 है, मतलब इनका वैल्यू बेटा कितना आ गया, 4। सो फॉर सिमेट्रिकल है, और दूसरा कैसा बेटा बताओ, इवन है, सो नंबर ऑफ GI क्या होगा इसका बताओ, 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। क्लियर है बात, फॉर्मूले याद हो जानी चाहिए अभी का अभी आपको। तो बताओ 2 to the power 4 minus 1 प्लस 2 to the power 4 by 2 minus 1 हाउ मच, 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2 तो 8 plus 2 पक्का 12। क्लियर है 10। तो इसे सिमेट्रिकल एंड आई थिंक कुछ और एग्जाम्पल्स की जरूरत है, समझ में हो जाएगा बेटा। सो कंक्लूड कर दिया जाए या कुछ और एग्जाम्पल्स चाहिए बेटा? नहीं नहीं अजब क्या, सब तो बता दिया। मुझे वहां जाने दो पहले, अब बताओ यहाँ डबल होता है यहाँ सिंगल होता है? कहने का मतलब बेटा मैं देखो पहले तो मेरी बात सुन लो, उसका मैं आपको बात सुनता हूँ कि जितना इधर आपको जिस देखा उतना ही इधर आपको एग्जैक्टली दिखना चाहिए, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल हो जाएगा सेम आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, एक और अच्छा एग्जांपल, जस्ट एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है? क्या करूँ कुछ बताऊँ जो आप पूछना चाह रहे हैं? थर्ड एक एग्जांपल और देख लो, दिस वन पहले बताओ सिमेट्रिकल है क्या? पहली चीज तो क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से होगा? नहीं होगा। तो इनको तो आप ऐसे ही छोड़ लो, डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस कर दिया क्या मैंने? छोड़ो ना दूसरा एग्जाम्पल सीएल, अब ध्यान देना सीएल मेरे साथ देखते जाओ कुछ गड़बड़ तो बता रहे हैं, डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पे चाहिए फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है? फिर मैंने लिया सी एच डबल बॉन्ड क्या सी एच, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर मैंने लिया सी एल। अब देखो ठीक है बेटा, अब ठीक, अब मुझे बताओ क्या यहाँ से जी आई आएगा? क्या यहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, यस आएगा, पता है कैसे?
ये एक्सेल है, ये दोनों अलग, और इसको भी ऐसे मैं सबको लिख दे रहा हूँ। बताओ अगर इसकी बात करें इस डबल बॉन्ड की, तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग। इसकी बात करें तो ये दोनों अलग और ये दोनों अलग। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिकल है? देख लो जरा एकदम, वही आ रहा क्या? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल, यस दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल कंपाउंड, है कि नहीं सिमेट्रिकल? पहले बताओ कितने लोगों की बात समझ में आ गई है? सिमेट्रिकल है ये, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, सो दिस इज सिमेट। तो ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ केस एक्चुअली। सो दिस कंपाउंड इज व्हाट? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल है तो बेटा यहां पर कितने दो ही तो है, तो SGA equals to N equals to 2, सिमेट्रिकल है, और 2i मतलब इवन है, 2i मतलब इवन है। सो व्हाट इज नंबर ऑफ GI? 3। ये कुछ थोड़ा इस डिफरेंट केस बन रहा था, केरियन बोल रहा था कुछ डिफरेंट हो तो बताओ, तो इसलिए मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है कि इस तरह का चीज भी हो सकता है। सो व्हाट इज द फार्मूला? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाय 2 माइनस 1। बोलो बेटा 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाय 2 माइनस 1, सो 2 प्लस 2 ना 2 प्लस 2 टू द पावर 0। बोलो सही है क्या? देखो तो क्या तीन बनेंगे इसके? चेक करो, बताओ तीन है क्या? तीन है ना? नो नीट, यस आज कुछ नहीं बोले बेटा, क्या बात है। चलो नोट करो जल्दी से। सो नाउ GI कंप्लीटेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीटेड। ये मेरा सिग्नेचर है।